नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी मोइत्रा। मई के पहले हफ्ते में सीमा पर चीनी सेना के साथ जो झड़प हुई उसके बाद उपजा तनाव बरकरार। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीनी सेना की घुसपैठ को रोकने और निगरानी के लिए भारत की थल और वायु सेना काफी मुस्तैद हो गई। थल सेना ने गलवान घाटी और पेंगोंग सो इलाके में UAV अनमैंड एरियल व्हीकल तैनात कर दिया। वही वायु सेना ने भी पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर को अग्रिम इलाकों में उतार दिया। लद्दाख में लेह स्थित सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के अधीन सेना की 81 और 114 ब्रिगेड ने चीनी सेना से निपटने के लिए अपने जवानों और अधिकारियों को 24 घंटे ऑपरेशनल मोड में रहने के आदेश दिए। सेना के वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे और उसके अनुरूप आवश्यक कदम उठा रहे। आपको पता होगा कि चीनी सेना के जवान कथित तौर पर गलवान घाटी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में भारतीय इलाके में 3 किलोमीटर अंदर तक आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक चीनी सेना गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14-15 और गोगरा चौकी के नजदीक भी तंबू लगा चुके हैं। यही वो जगह है जहां शुरू में चीनी सेना ने पेंगोंग सो में भारतीय इलाके में अपनी गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास किया था। 5 मई को इस इलाके में चीनी और भारतीय फौजियों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद चीनी सेना ने गलवान घाटी में गतिविधियां बढ़ा दी। इस इलाके में वो लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकी KM-120 से करीब 15 किलोमीटर दूर अपना एक अस्थायी शिविर तैयार किया। चीनी सैनिकों ने इस इलाके में अपने तंबू लगाए हैं और वहां उसके वाहनों और अन्य साजो सामान की निरंतर आवाजाही हो रही। चीनी सेना ने अपने इलाके में भारतीय चौकियों के ठीक सामने सड़क और बंकर बनाना भी शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने इस पर कड़ा एतराज जताया। उत्तरी सिक्किम और लद्दाख इलाके में भारत और चीन के बीच गैर चिन्हित सीमा क्षेत्र पर स्थित इलाकों में भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा। इसकी प्रतिक्रिया में दोनों ही देशों के सैनिकों की संख्या यहां बढ़ाई जा रही। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डेमचक, दौलत बेग ओल्डी, गलवान नदी और लद्दाख में पेंगोंग सो झील के पास के संवेदनशील इलाकों में भारत और चीन दोनों ने अपने अपने अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया। इसी बीच भारत भी साजो सामान के लिए अपने विशालकाय हाथी चिनूक को पूर्वी लद्दाख में उतारकर चीन को कड़ा संदेश दिया और चीन को ये संदेश भेज दिया कि अब तुम्हारी किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ रोज चीन की तरफ से गतिविधियां बदल रही हैं। भारत सावधान है और चीन के किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है।